आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। 102 बल सदस्यों ने रक्तदान में हिस्सा लेकर डोनेट किया ब्लड। बड़वाह स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह द्वारा समय समय पर अनेक आयोजन किए जाते हैं, जिसके तहत जन जागरूकता रैली, रक्तदान शिविर, कोरोना महामारी के रोकथाम जैसे अनेक आयोजन किए गए, जहां डीआईजी हेमराज गुप्ता के निर्देश पर सुरक्षा बल सदस्य प्रत्येक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी तरह बुधवार सुबह सांस्कृतिक भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां करीब 100 यूनिट से ज्यादा ब्लड एकत्रित कर खरगोन भेजा गया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वा में उप महानिरीक्षक हेमराज गुप्ता के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उक्त शिविर ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय खरगोन से आए डॉक्टर हेमेंद्र मुछाल, सचिन चौहान और उनके साथ आई टीम के साथ मिलकर रक्तदान शिविर अभियान को सफल बनाया गया। इस मौके पर उप महानिरीक्षक हेमराज गुप्ता ने बताया कि सन 2017 से अभी तक मैं 9 बार रक्तदान कर चुका हूं और आज भी रक्तदान कर रहा हूं। इस प्रकार आज हमारे 102 बल सदस्यों और प्रशिक्षणार्थियों ने मिलकर रक्तदान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमारे आरटीसी बड़वा सदस्यों द्वारा 1438 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। हमें हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान से हमारे शरीर पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर की सारी जांच भी हो जाती है और शरीर में नया रक्त बनकर शरीर स्वस्थ भी रहता है। रक्तदान शिविर लगाकर हम अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इस मौके पर उनके साथ आरटीसी बड़वा के चिकित्सक एमआई रहमान, समादेष्टा बीपी सिंह, सहायक समादेष्टा एलएन चौधरी, सहायक समादेष्टा एनएस रावत और अन्य बल सदस्य मौजूद रहे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। आज ये रक्तदान शिविर लगाया, क्या उद्देश्य, क्या महत्व और कितने लोगों ने दिया? देखो, रक्तदान के बारे में तो महत्व बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। समय पर किसी को जब जरूरत है उसके आधार पर अगर ब्लड मिल जाए और उसको ब्लड लग जाए तो जान बच सकती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन का उद्देश्य तो यही है कि जितनी ज़्यादा समाज की सेवा हो सके ब्लड के द्वारा हम लोग कर सकें। एज फार एज कि कितना बार हुआ है, तो 2017 से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 2017 से हम लोगों ने 11 बार पहले कर लिया था, आज 12वीं बार हम कर रहे हैं। 11 बार में हमने करीब 1338 यूनिट ब्लड दिया है और आज हमारा प्लान कम से कम 100 यूनिट ब्लड देने का है। आज कितने जवान शामिल हैं सर? हम आज 100 जवान हम शामिल इसमें कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और इसमें आज आप देखेंगे हमारे चारों तरफ लड़कियाँ भी आज ब्लड हमारी दे रही है, वो भी ब्लड। सर आपने कितनी बार दिया अभी तक? मैंने मेरी ख्याल से 2017 से लेकर अब तक 9-10 बार करीब दे चुका। सर आपने स्वयं रक्तदान कर जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिस को और जवानों को प्रेरित किया, क्या कहना चाहेंगे? ब्लड हर 3 महीने में एक बार ब्लड देने से आपके शरीर को किसी तरह की कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और ब्लड देने से अदरवाइज भी जो एक भ्रांति है कि साहब आदमी कमज़ोर हो जाएगा या कोई शक्ति कम हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ब्लड देते रहिए। ब्लड देने से बल्कि आपके शरीर का जो एक तो ब्लड का जांच होता रहता है, दूसरा इसमें ब्लड का जो नया बनना है वो भी होता है, तो आपका शरीर इससे बल्कि और अच्छा काम करता है। हाँ सर, आए शिविर लगाने? जी, मैं ब्लड बैंक जिला अस्पताल खरगोन से आया हूँ। मैं डॉक्टर हेमेंद्र मुछाला हूँ, इंचार्ज हूँ ब्लड बैंक का, और यहाँ पे अधिकतर कैंप लगते रहते हैं सीआईएसएफ में। पिछले साल भी जनवरी में लगा था, परंतु कोरोना के कारण अभी तक नहीं लग पाया था। आज कितनी यूनिट मिली है सर? आज अभी 100 तो कम से कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 के ऊपर ही है। इसको ले जाने की क्या सुविधा रहती है यहाँ से खरगोन तक? यहाँ से हम आइस पैक लेके आते हैं वहाँ से, जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है 2-8 डिग्री के बीच। कितने सदस्य हैं आज आपके साथ? आज हमारे साथ लगभग 8 लोग हैं।